Google Camera 8.3। I know guys, आप लोग इस वीडियो का काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे guys Google Camera 8.3 काफी टाइम पहले आ चुका था। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ guys, मैंने इसे हर तरह से ट्राई करने की कोशिश की। वैसे रूटेड डिवाइसेज में इंस्टॉल हो जाता था, बट जो नॉर्मल डिवाइसेज हैं, क्योंकि हर किसी के पास तो रूट होता नहीं है, तो उनके लिए गाइस आज मैं लेके आया हूँ गूगल कैमरा 8.3 की APK, जो कि परफेक्ट है। उसमें कोई भी बग नहीं है, सारे फीचर अच्छी तरह से वर्क करते हैं, और ये पिक्सल 6 और 6 प्रो वाले डिवाइसेज में से एक्सट्रैक्ट की गई है APK, और ये सभी एंड्रॉइड डिवाइस में परफेक्टली वर्क करने वाली है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरे फीचर्स। बस इसमें कुछ ही रिक्वायरमेंट है, जैसे एंड्रॉइड 11 होना चाहिए और कैमरा टू API होना चाहिए। वैसे एंड्रॉइड 10 वाले में भी चल जाएगी, बट थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं, बट वो गाइस काफी लिमिटेड डिवाइस में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज गाइस सभी एंड्रॉइड डिवाइस में परफेक्टली वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको गूगल कैमरा 8.3 में कौन कौन से फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास है गूगल कैमरा 8.3 की ऑफिशियल APK, जो कि गाइस लेटेस्ट वाली है, और आप लोगों ने भी यही डाउनलोड करनी है। कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हर एक एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गाइस सपोर्टिव है, तो आप इसे इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। बट उससे पहले गाइस इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि गाइस आपको यहां पे देखने को मिल रहा है गाइस कि फर्स्ट टाइम जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको यहां पे कुछ परमिशंस मांगेगा। आपने सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद गाइस आपको देखने को मिलेगा यहां पे टर्न ऑन डिफॉल्ट, जहां पे सेव लोकेशंस और मोशंस फोटो के गाइस जो लोकेशंस है आप चेंज कर सकते हो। आपने सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो इंटरफेस गाइस आपके सामने है, जहां पे सेंटर में आपको बार देखने को मिल रही है, जो कि आपकी फोटो के एंगल के साथ रोटेट हो जाती है, जिससे आपको स्ट्रेट फोटो खींचने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। और ये गाइस मैं नॉर्मली यूज भी करता हूं। यहां पे गाइस आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, नाइट साइड के, पोर्ट्रेट के, कैमरा के, वीडियो के, और भी गाइस आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि गाइस बेसिक वाले हैं। यहां पे गाइस आपको जूम फीचर भी काफी अच्छा देखने को मिला है। मोड्स में गाइस आपको पैरानोमा मोड और फोटो स्पेयर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 360 वीडियो या फोटो बनाने में हेल्प करता है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइज आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले गाइज वीडियो मोड। वीडियो मोड में गाइज आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स मिलता है। इसमें एक इशू भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट यहाँ पे गाइज आपको डबल और इंस्टेंट जूम मिलता है, जो कि इसका बेस्ट फीचर है, जो कि आपको DSLRs में मिलता था। यहाँ पे गाइज आपको तीन मोड्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, एक्टिव और सिनेमैटिक पैन। इसका भी गाइज आपको ओवरव्यू में आपको आगे देने वाला हूँ कि किस तरह की आपको लुक्स देखने को मिलती है। बट इसकी कुछ डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि गाइज आप देख सकते हो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन में होता क्या है। यहाँ पे इन्होंने डेमो के जरिए बताया है कि जो शेकीनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नीचे आप वीडियो में देख सकते हो कि जो स्टेबल कौन सी है और अनस्टेबल कौन सी। और इसमें गाइज आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एक्टिव के। इसमें गाइज क्या होता है कि वीडियो अगर काफ़ी फास्ट बन रही है, वहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेकी हो रही है, तो ये गाइज बेस्ट है। यहाँ पे आप लोग डेमो दे सकते हो कि किस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइज आपको दोनों क्लिप्स देखने को मिल रही है। थर्ड है गाइज यहाँ पे सिनेमैटिक पैन। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने पैन शॉट लेने होते हैं, क्लोजअप लेने होते हैं, या सिनेमैटिक शॉट्स लेने होते हैं, तो उस हिसाब से गाइज एक बेस्ट है। जहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल रहा है, शेकीनेस काफ़ी कम और बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ये गाइज सारे फीचर मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा गाइज आपको इसकी जो सेटिंग्स है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे नॉर्मली आपको फ्लैश देखने को मिलती है। इसके अलावा ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि आप इसके रेजोल्यूशन को सेट कर दो, बट वो आपको मेन सेटिंग में ही मिलेगी। इसके बाद गाइज कैमरा की बात करें तो यहाँ पे गाइज आपको इंस्टेंट जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइज कुछ पिक्स भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ 1x और 2x जूम के साथ साथ। गाइज इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी और डिफरेंस भी लग जाएगा पता कि इसमें आपको डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है इस जूम फीचर में। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको कुछ पिक्स शो कर देता हूँ। गाइज और भी काफी सारे यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं पोर्ट्रेट में, साथ साथ गाइज नाइट मोड में। और पोर्ट्रेट में भी गाइज आपको इंस्टेंट जूम का ऑप्शन मिल जाता है 1x 2x, और यहाँ पे गाइज आप लोग 10x तक जूम कर सकते हो, बट वहाँ पे पिक्सल फटने लग जाते हैं। और नाइट साइड जिसमें आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड मिल जाता है गाइज, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, जिसकी वजह से गूगल कैमरा ऐप इतनी पॉपुलर हुई है। वैसे तो स्टेबल बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो इंस्टेंट जूम फीचर है ना गाइज वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज सबसे पहले नंबर पे ही आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको ग्राइड का, रेशो का ये ऑप्शन भी मिल जाते हैं, टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप सेट कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स फंक्शंस मिल जाते हैं। और अब गाइज आपको मेन सेटिंग के बारे में भी बात करते हैं कि उसमें आपको क्या खास देखने को मिल जाता है। जहाँ पे गाइज पोर्ट्रेट वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सारे और फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यार पोर्ट्रेट ब्लर होना चाहिए। मेन फोटो वाले सेक्शन में गाइज आपको बेसिक फीचर फ्लैश के, टाइमर के और फ्रेम रेशो गाइज वो देखने को मिलती है।
जो कि बहुत बेसिक है। वीडियो सेटिंग में गाइज आप सभी को पता है सिर्फ फ्लैश का ही ऑप्शन है। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ जो एक बग है, बग के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले गाइज टाइम लैप्स, इसमें गाइज आपको 100x तक का फीचर मिल जाता है। जी हाँ, आप लोग 100x की स्पीड से टाइम लैप्स बना सकते हो, जो कि गाइज आप लोग समझ सकते हो कि पूरे दिन को अराउंड 10 मिनट में कवर कर लेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे गाइज इसके अलावा जो एक बग है वो आपको स्लो मोशन में देखने को मिलता है कि जब भी आप स्लो मोशन क्लिक करोगे ये ऐप फोर्स क्लोज हो जाती है। इसके अलावा इसमें कोई और इशू नहीं है। वैसे जो स्लो मोशन वाला इशू है गाइज वो पहले से ही चलता आ रहा है, पुरानी ऐप्स में भी था और इसमें भी वही कंटिन्यू कर रहा है। मे बी हमारे सिस्टम गाइज उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि इसको अडेप्ट कर सके, बट बाकी सारे फीचर यूज टू है। इसकी जो मेन सेटिंग है गाइज उसमें बेसिक फीचर है, हल्की सी कस्टमाइजेशन है जो कि आप अपने फ़ोन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, वैसे मुझे ज़्यादा फायदेमंद लगी नहीं है। वीडियो रेजोल्यूशन को गाइज आप लोग सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। उसके अलावा आप लोग ग्राइड सेट कर सकते हो और फेस रिकॉग्नाइजेशन को ऑफ करना है, ऑन करना है, ये चीज़ें सेट कर सकते हो। ब्लैक कलर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, डायनेमिक रिप्रेजेंट करना है, वो आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज और भी बेसिक फीचर है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेटिंग सेक्शन में आपको ज़्यादा फीचर तो नहीं है, बट गाइज जो गूगल कैमरा ऐप की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है गाइज, जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे गाइज आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन के तो ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको 3 मोड्स भी मिलते हैं, मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला मोड गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको स्टैंडर्ड में वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ और इसके कुछ सैंपल्स गाइज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लगे इन तीनों में। तो यहाँ पे गाइज सैंपल दे रहे हैं, इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट वाला मोड है वो है एक्टिव। तो एक्टिव में भी गाइज आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शेकी होती है, तो मैं अपने हैंड को भी गाइज उतना ही मूव कर रहा हूँ ताकि आपको जो मूवमेंट है उसमें डिफरेंस है और स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इस समय गाइज मैं काफ़ी फास्ट मूव कर रहा हूँ कैमरा को, बट यहाँ पे गाइज मैं अपने जो लैपटॉप है उसको फोकस में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा गाइज सैंपल। इसके बाद गाइज हम लोग टेस्ट करते हैं सिनेमैटिक पैन मूवमेंट। अब यहाँ पे गाइज इसको भी इनेबल कर दिया है जो कि बिल्कुल स्लो मूव करता है। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो ऑडियो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी और जो टाइम है गाइज वो इसको डबल लेगा, मतलब थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टाइम डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइज मैं कुछ सैंपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे शूट करके। और यहाँ पे गाइज जब भी आप इसे यूज़ करो तो बिल्कुल स्लो मोशन में करना, मैं ज़्यादा शेक कर रहा हूँ, बाकी गाइज आपको वीडियो सैंपल में दिख ही जाएगा। इसमें गाइज आपको और भी मोड्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे गाइज आपको और भी मूवमेंट्स देखने को मिल जाती है। इसका अगर आपको एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो कम से कम इस वीडियो पे 300 लाइक तो होने चाहिए। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे फीचर बहुत परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और इसके ऊपर गाइज और भी अपकमिंग डेज में आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो डाउनलोड लिंक गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे गाइज आपको सिर्फ एक ही फाइल मिलेगी, आपने उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, वही गाइज गूगल कैमरा 8.3 की ऑफिशियल APK है। तो गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे गाइज डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम फाइल है गाइज सभी डिवाइसेस के लिए और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बस एक ही इशू है गाइज कि स्लो मोशन परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, फोर्स क्लोज हो जाता है, अदरवाइज सारे फीचर बहुत परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी, यहाँ पे मूवी मोड्स, स्टेबलाइजेशन सब बहुत तगड़े तरीके से वर्क की है। और मैंने इसको गाइज एक दिन ही हुआ है, वैसे सच बताऊंगा एक दिन से यूज कर रहा हूँ, बट मजा आ गया। ओवरऑल गाइज कैमरा क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है जब आप इसे पिक लेते हो, वीडियो बनाते हो। और अगर आपके फोन में वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है ना गाइज, तो इससे बेस्ट APK नहीं होने वाली। तो गाइज आप लोग ट्राई कर सकते हो। गाइज अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते, वहां पे भी गाइस आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वैसे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में अगर गूगल कैमरास और आते हैं, उनके और नए वर्जन आते हैं, उनकी स्टेबल APK गाइस आप तक मैं प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। तो इसी बात पे गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दो, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप ऐसी म्यूजिक वीडियो को मिस ना करें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।